एंट्री गेट को दिखाया गया है जहाँ पर अनुष्का शर्मा पीके को ढूंढते हुए यहाँ पर आती हैं और पीके नीचे की तरफ बैठा होता है। बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है कि यहाँ पर ना रात के समय अजीब अजीब तरीके की आवाजें आती हैं और अंदर की तरफ किसी औरत को चलते हुए देखा है कुछ लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अनस। दोस्तों, जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेज इन दिल्ली, तो उस लिस्ट में एक नाम निकल के आएगा, अग्रसेन की बावली। अग्रसेन की बावली वो रहस्यमयी जगह है दोस्तों, जहाँ पे पीके, सुल्तान, जूम बराबर जूम, मॉम और भी बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये जगह बहुत बारीकी से दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और जल्दी से घूम के आते हैं अग्रसेन की बावली। देखिए दोस्तों, ये है अग्रसेन की बावली, जो कि कैनॉट प्लेस के बहुत नज़दीक मौजूद है। और आप यकीन करिए, इसका आर्किटेक्चर इतना तगड़ा है ना अंदर से, कि जब आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे और आपकी पहली झलक इसके आर्किटेक्चर पर पड़ेगी, आप हक्के बक्के रह जाएंगे इसको देख के। इतना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है इसका दोस्तों। वैसे तो लोग इसको अग्रसेन की बावली बोलते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल नेम जो है ना, वो है उग्रसेन की बावली। और सीपी के बहुत नज़दीक होने के बावजूद भी बहुत कम लोग इस जगह को पहचानते हैं और बहुत कम ही लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। देखिए दोस्तों, यह है इसका पतला सा एंट्री गेट, और इसको क्रॉस करते ही जो पहला नज़ारा आँखों में आता है ना, ओए होए, दिखाता हूँ आपको। ये हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। टैन टैन टडन, वाओ, आउटस्टैंडिंग। देखिए दोस्तों, कितनी सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, कितनी शार्पनेस है। और ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, इन सीढ़ियों पे सुल्तान मूवी का एक सीन शूट हुआ था, सुल्तान सॉन्ग का, जिसमें सलमान खान ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो वो ईंटें उठा के इन सीढ़ियों को चढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, चारों तरफ ना रेजिडेंशियल एरिया है और सामने सीपी है। मतलब जिन लोगों को नहीं पता ना, वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि चारों तरफ इतनी बसावट वाला एरिया है और उसके बीच में एक ऐसा आर्किटेक्चर भी खड़ा हुआ है, मास्टरपीस। पीके मूवी में भी ना इस एंट्री गेट को दिखाया गया है, जहाँ पर अनुष्का शर्मा पीके को ढूंढते हुए यहाँ पर आती हैं और पीके नीचे की तरफ बैठा होता है। वो रात का सीन था, रात में शूट हुआ था, पूरा अंधेरा था यहाँ पर, और क्या ज़बरदस्त लग रही थी ये जगह उस सीन में। जब से यहाँ पे पीके मूवी की शूटिंग हुई थी ना, उसके बाद से जगह ज़्यादा फेमस हो गई थी। उससे पहले यहाँ पर इतने लोग इस जगह को जानते वगैरह नहीं थे। ओ भाई, बिल्कुल मेरे कान को छू के गया रॉकेट की तरह कबूतर। यहाँ पे इतने कबूतर है ना, यहाँ पे ये रिकमेंड किया जाता है कि आपको कैप लगा के या फिर सर पे कोई कपड़ा बांध के आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बीट करते हैं कबूतर, क्योंकि क्वांटिटी बहुत है कबूतरों की। तो उससे बचने के लिए देखो, यहाँ पे सामने एक साहब ने लगा रखी है, तो जब भी यहाँ आए अच्छा होगा कैप लगा लें। सेल्फीज़ लो, वीडियो बनाओ, फ़ोटो खिंचवाओ, सारे काम करो, लेकिन ध्यान से, बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि अगर गिर गए ना तो 108 सीढ़ियाँ हैं ये जो बनी हुई हैं, बहुत नीचे तक। तो अगर बाय चांस कोई बंदा गिरा ना, बहुत ज़बरदस्त चोट आने वाली है दोस्तों। इसकी ना गहराई इतनी है कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे ना, वैसे वैसे आसमान आपकी आँखों से ओझल होता चला जाएगा। क्या कमाल की कारीगरी है यार, बेमिसाल। और ये जो आप राइट हैंड साइड पर प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी सुल्तान मूवी का एक सीन शूट हुआ है, जहाँ पर रणदीप हुड्डा सलमान खान को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। देखिए दोस्तों, पीके मूवी का एक और सीन यहाँ पर शूट हुआ है, जहाँ पर ना आमिर खान दूसरी सीढ़ी पर बैठे होते हैं और वो जो सामने ताक बना हुआ है ना, वहाँ पर उनका सामान रखा होता है, वो पीला हेलमेट, अटैची, वो सब वहाँ रखा होता है। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के। दोस्तों, जो गाना है ना, ये गाने का पहला अंतरा इन्हीं सीढ़ियों पे शूट हुआ है, जिसमें अभिषेक बच्चन और प्रीति जिंटा थे। क्या कमाल का गाना था वो, राहत फ़तेह अली खान साहब ने वो गाना गाया था और लिरिक्स लिखी थी गुलजार साहब ने। और ये जो आप सामने ये जो जगह देख रहे हैं ना, वहाँ पर भी इस गाने का एक पार्ट शूट हुआ था। वहाँ जाना अलाउड नहीं है, लेकिन शूटिंग के टाइम पे अलाउड कर दिया गया होगा विथ फुल सेफ्टी मेजर्स। देखिए आप, दोस्तों, दिल्ली की नहीं, इंडिया की टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में इस जगह का नाम दर्ज है, चाहे आप गूगल कर लेना। बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है कि यहाँ पर ना रात के समय अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें आती हैं और अंदर की तरफ किसी औरत को चलते हुए देखा है कुछ लोगों ने। और यहाँ पर
मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ पर होते हुए लोगों ने महसूस की है। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि शूटिंग लोकेशंस की तो बात बहुत हो गई भाई, अब ये बताओ कि इस जगह को बनाने का पर्पस क्या रहा होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ना एक स्टेप वेल है, मतलब यहाँ पर एक ज़माने पहले बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। सामने ना नीचे की तरफ एक कुआं बना हुआ है, उसमें पानी इकट्ठा होता था और ऐसा माना जाता है कि उस कुएं का जो पानी होता था वो काला पानी होता था, और जो भी इंसान ध्यान से उस पानी को देखता था ना, वो पानी उस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था और वो इंसान सुसाइड कर लेता था। और यहाँ पर 2007 में उस कुएँ के अंदर ना एक बंदे की लाश भी मिली थी। उसके बाद से ही उस कुएँ को ना बंद कर दिया गया था, मतलब वहाँ पर जाना अब अलाउड नहीं है, वरना पहले वहाँ जा सकते थे, रास्ता खुला था। देखिए दोस्तों, ये ना बस लास्ट पॉइंट है, आप इससे आगे नहीं जा सकते। पिछले गुजरे सालों में कुछ चीज़ें ऐसी गलत हुई हैं जिसकी वजह से यहाँ पर अब रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, अब बस इससे आगे आप नहीं जा सकते, वरना पहले नीचे कुएं तक जाने की अनुमति दे रखी थी गवर्नमेंट ने। वैसे एक अजीब सा डरावनापन तो है इस जगह पे, देखो कैसा पानी है और अंदर की तरफ ना बहुत अंधेरा है, घुप अंधेरा, तो मतलब डरावनी तो है ये जगह, इसमें तो कोई शक नहीं है। पीके की हिम्मत थी यार यहाँ पे, रात को वो अकेले बैठता था आके। इस जगह को ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है और उसने बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया हुआ है। इसकी जो टाइमिंग है ना वो सुबह 8 बजे है, 8 बजे जगह खुल जाती है और आप जितना जल्दी आओगे ना उतना ही आपको यहाँ पे क्राउड कम मिलेगा और आप अच्छे से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर पाओगे। तू समझा? हाँ। लंबाई में बावली ना 60 मीटर लंबी है और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में है 15 मीटर। और देखिए जैसे जैसे आप नीचे की तरफ सीढ़ियाँ उतर के आते हैं ना, अंधेरा छाने लगता है आपको ना, आसमान बहुत कम दिखाई देने लगता है आपको, ऐसा लगेगा थोड़ा अंधेरा अंधेरा जैसा फील होगा। और कबूतरों का तो ना यहाँ पे सैलाब है, ये देखिए। देखिए दोस्तों, ये ना मॉस्क बनी हुई है बहुत पुरानी, इसका जो गेट है ना वो भी पीछे बैक साइड पे है, मतलब बैक साइड तो यहाँ से है, उधर पीछे फ्रंट से इसका गेट है और इधर वाला गेट बंद किया हुआ है। और मैं ना अभी 108 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ आया हूँ और देखिए यहाँ से ना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतनी हाइट पे हैं हम अभी। और अभी मैं आपको सामने ले जाके दिखाता हूँ तो आपको पता लगेगा कि अभी हम कितनी नीचे थे और हम कितनी ऊपर आ गए हैं 100 सीढ़ियाँ चढ़ के, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों कितनी नीचे है वो कुआं, ये देखो कितनी गहराई है, अभी हम कितनी नीचे खड़े हुए थे, कितनी गहराई में। जब आप ऊपर आओगे ना तब आपको आसमान दिखना शुरू होगा, वरना जब आप बिल्कुल नीचे चले जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि आसमान छुप गया है कहीं। दोस्तों मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आप दिल्ली घूमने आ रहे हो और आपने ये जगह अब तक नहीं देखी है तो आप इस जगह पर ज़रूर आइएगा, ख़ासतौर से अगर आप CP पर मौजूद हैं, क्योंकि ना ये जगह बहुत शानदार है और वीडियो में देखने में आपको मज़ा कभी आ ही नहीं सकता जो आपको इस जगह को सामने से देखने में आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद।